Clearly करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मैथोलॉजी तो का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोध लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश तो हमारे हमने जो रिसर्च मैथोलॉजी तो का कंटेंट बनाया है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसोर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे क्वेश्चन मैथोलॉजी के इस में कवर करा है और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो तो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है याद रखिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है

ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं तो आपको हमारा अगर आप कोर्स परचेस करोगे अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसोर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉकटेस है उसको एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ है थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ ये आपके एज ए रिविजन के तौर तो पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर, कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर, कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे सो so, हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है याद रखें आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप सो इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट और अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो पहला प्रश्न जब प्रतिदर्श आकार 30 से अधिक हो तो निम्न संख्या परीक्षण का उपयोग किया जाता व्हेन सैंपल साइज इज मोर देन 30 द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि जब प्रतिदर्श आकार 30 से अधिक होगा तो उस केस में हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करेंगे कौन सा संख्या करेंगे हमें यह पता लगाना है मतलब दिए गए ऑप्शंस में से दिए गए स्टैटिस्टिकल टेस्ट में से कौन सा आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करोगे कब जब आपका जो सैंपल का साइज है ये थर्टी से ज्यादा हो मोर देन थर्टी हो सो so याद रखिएगा जब भी आपका सैंपल का साइज मोर देन थर्टी होता है तब आप जी टेस्ट का यूज करते हो मतलब जी परीक्षण के लिए हम यूज करेंगे जी परीक्षण का हम यूज करेंगे अगर हमारे प्रतिदर्श का आकार तीस से अधिक हो अब ये जी टेस्ट टी टेस्ट ये सारे टेस्ट होते क्या है सो so, याद रखिएगा जैसे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में तो हम हमेशा नल 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 हाइपोथेसिस 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 को को हमारी टेस्ट टेस्ट करते करते हैं सो में भी हम जब नल को टेस्ट करते तो उसके अंदर आ, उसके अंदर हमारे आते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो आपके टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके जी टेस्ट एंड टी टेस्ट ये जी और टी टेस्ट होते क्या है सो so, याद रखिएगा जी टेस्ट एंड टी टेस्ट ये बताते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है और आपका जो सैंपल का मीन है मतलब आपके पास पॉपुलेशन का मीन होगा और सैंपल का मीन होगा सो पॉपुलेशन के मीन और सैंपल के मीन को आप कंपेयर करते हो पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपल के मीन को अगर हम कंपेयर करते हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट के पॉपुलेशन का मीन और सैंपल के मीन में कितना डिफरेंस है बेसिकली इसके लिए हम जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का यूज करते हैं कंपेयर करते हैं हम पॉपुलेशन के मीन से और सैंपल पॉपुलेशन सा, के मीन को सैंपल के मीन से इसीलिए हम जी और टी टेस्ट का यूज करते हैं सो so, याद रखिएगा जी टेस्ट हम कब यूज करते हैं जब हमारी सैंपल का साइज मोर देन 30 होगा और हमें पॉपुलेशन का याद रखेगा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नोन हो तब हम जी टेस्ट का यूज करेंगे जी टेस्ट कब यूज करा जाता है जब हमारे सैंपल का साइज सैंपल का साइज 30 से अधिक हो 30 से अधिक हो आपके जो प्रतिदर्श का आकार है 30 से अधिक हो और आपकी जो जनसंख्या है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता हो मतलब नोन हो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड आउट है आपके जो पॉपुलेशन से आपको जो डेटा मिलेगा वो कितना फैला हुआ है कितना spread out है, basically ये है ये ये बताते हैं हैं इसे कहते है, हम standard deviation. अगर आपको population का standard deviation known है और आपके सैंपल का साइज थर्टी से ज्यादा है तीस से अधिक है तब हम जी टेस्ट का मतलब जी परीक्षण का यूज करेंगे और जी परीक्षण का उपयोग करेंगे अगर आपके जो सैंपल है सैंपल का साइज याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल का साइज 30 से कम है और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है आपको पता नहीं है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिशन सो उस केस में आप टी टेस्ट का यूज करोगे मतलब टी टी टेस्ट परीक्षण का प्रयोग करोगे सो so, याद रखिएगा टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं जब सैंपल का साइज 30 से कम हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो तो उस केस में हम टी टेस्ट का यूज करेंगे और जी टेस्ट कब यूज करते हैं जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा हो तीस से अधिक हो और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविशन नोन हो तो उस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे और इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि अगर आपका जो सैंपल का साइज है मतलब आपके प्रतिदर्श का आकार तीस से अधिक है मतलब तीस से ज्यादा है तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे और किस टेस्ट का किस परीक्षण का उपयोग करोगे आप सिर्फ और सिर्फ जी टेस्ट का तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा जी टेस्ट और यहाँ पर हमें एक और आ, विकल्प दिया गया एक और ऑप्शन दिया गया है सैंपल टेस्ट सैंपल टेस्ट क्या होता है बेसिकली कि आप सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म करते हो आप आपका जो सैंपल चुन लेते हो मतलब आपका जो नमूने चुन लेते हो आप रिसर्च में स्टडी करने के लिए आपके शोध के लिए सो so, आप सैंपल पर रिसर्च करते हो और सैंपल को टेस्ट करते हो और उस टेस्ट से आपके जो रिजल्ट मिलते हैं पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो उसे हम कहते हैं सैंपल टेस्ट तो so, सैंपल टेस्ट का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको विकल्प विकल्प ए में गिवन है वो जो के है जी टेस्ट अगर आपके जो सैंपल का साइज है तीस से अधिक है 30 से ज्यादा है तो उस केस में आप जी टेस्ट का यूज करोगे तो पर आपका ऑप्शन है राइट right हो जाएगा अगला प्रश्न निम्न से कौन सा शोधकर्ता के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है विच वन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ रिसर्चर इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्चर के लिए प्राइमरी सोर्स का इंफॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू रिसर्चर को प्राइमरी डेटा मिलेगा वो कौन सा एक ऐसा विकल्प है और वो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है हमें ये पता लगाना है सो so याद रखियेगा रिसर्च में आप दो सोर्सेस के थ्रू और जो आपके शोधकर्ता होते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं ये दो सोर्सेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं डेटा so को कलेक्ट करते हैं सो एक होता है आपका प्राइमरी सोर्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन मतलब उनको जो खुद से मिलती है वो खुद कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन जो प्योर हो जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हो जो पहली बार कलेक्ट करते हैं रिसर्चर्स जो नई इन्फॉर्मेशन होंगी उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स और एक होता है आपका सेकेंडरी 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 सोर्स 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 क्या होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते जो ओरिजिनल डेटा नहीं होता है बल्कि वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है पुराने कई रिसर्चर्स ने रिसर्च करी होती है पुरानी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑलरेडी रिसर्च करी गई है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन जिसमें पहले से ही आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स अब इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन रिसर्चर को किस विकल्प से मिलेंगी मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन uh, मतलब न्यू इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू रिसर्चर को एक ओरिजिनल नई इंफॉर्मेशन किस ऑप्शन के थ्रू मिल सकते हैं हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में सो so, एक एक कर हम सारे विकल्प देखेंगे और पता करेंगे कि किस ऑप्शन और किस विकल्प के थ्रू आपके शोधकर्ता को एक नई इंफॉर्मेशन मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मतलब एक प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगी सो हम ऑप्शन ए देखते हैं विकल्प ए देखते हैं जो कि है एजुकेशनल रिसर्च जिसे हम कहते हैं शिक्षण क्या होती है जैसे एजुकेशन एजुकेशन तो हम सबको पता है जिसमें एजुकेशन जिसमें हम पढ़ाई करते हैं हम पढ़ते हैं चीजों को और रिसर्च एजुकेशन में रिसर्च की जाती है कि एजुकेशन का लेवल किस तरीके से और अच्छा कर सके सो so, एजुकेशन रिसर्च uh, में एजुकेशनल रिसर्च में क्या होता है कि जो भी चीजें हैपन होती है उसी को देखते हुए रिसर्चर उस पर रिसर्च करते हैं अब जैसे अभी करंट स्टेटस होगा एजुकेशन का जो कि ऑनलाइन मोड में ज्यादा चल रही है एजुकेशन सो उसके बेसिस पर रिसर्चर क्या करेंगे कि नेटवर्क्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं और जो इंटरनेट है उसकी स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्टर्स हो गए प्रोजेक्टर्स की क्वालिटीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लैपटॉप्स की क्वालिटी को पिक्सल रेट तो जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है इजिली वो एजुकेशन उनके उनकी एजुकेशन और बेहतर हो और अच्छी हो So, यहाँ पर research में, research, education, uh, education को so, सॉल्व करते जाते हैं उसको अच्छे तरीके से और इम्प्रूव करते जाते तो so, यहाँ पर रिसर्च कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती so, यहाँ पर जो आपका विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन सी रिव्यू आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल क्या होता है आप आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं मतलब पहले से ही यहाँ पर जो सारे पुराने रिसर्चर्स ने रिसर्च करी होती है यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है सो ऑब्वियसली ये आपका सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगा प्राइमरी सोर्स नहीं होगा क्योंकि ये पुराने रिसर्च करी गई होती है जो पुराने रिसर्चर ने रिसर्च करे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह प्रेजेंट होती है सो so, ये आपका सेकेंडरी सोर्स इंफॉर्मेशन होगा प्राइमरी सोर्स नहीं सो so, यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा उसी तरीके से ऑप्शन डी रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल रिसर्च रिसर्च पेपर पेपर तो हम सबको पता है रिसर्च पेपर क्या होता है जिसमें आप जो भी आपका रिसर्च का वर्क करते हो सारा मेंशन करते हो लेकिन यहाँ पर आपको एक न्यू वर्ड दिख रहा है प्रोफेशनल जर्नल प्रोफेशनल जर्नल प्रोफेशनल जर्नल क्या होती है जैसे प्रोफेशन के जर्नल कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई लॉ कर रहा है सो उनके कुछ पेपर्स होते हैं उसमें वो कुछ अपने रिसर्च को लिखते हैं सो so, याद रखिएगा रिसर्च पेपर है मतलब इनका रिसर्च का वर्क हो जाता है रिसर्च का, का काम हो जाता है तब ये मेंशन करते हैं तो रिसर्च पेपर इन प्रोफेशनल जर्नल में भी आपको जो रिसर्च पेपर के प्रोफेशनल जर्नल में भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी सेकेंडरी सोर्स होंगी प्राइमरी नहीं सो so, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंसिस सेंसेस क्या होता है Census, में से हर एक एक मेंबर से आप गेन करते हैं मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है जनसंख्या में से आप प्रत्येक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन लेते हो जनसंख्या एक ऐसी चीज है जिसमें आप पूरे पॉपुलेशन पर रिसर्च करते हो पॉपुलेशन के में से हर एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो सो so, इंडिया में भारत में सेंसेस मतलब जनगणना हर दस साल में करा जाता है हर टेन इयर्स में किया जाता है जिसमें आप हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो न्यू होती है सो तो यहाँ पर सेंसिस के थ्रू रिसर्चर को और आपके शोधकर्ता को एक प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन मिलेगी मतलब एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और उसके थ्रू रिसर्चर एक नई इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं न्यू डेटा को जनरेट करते हैं तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंसिस नेक्स्ट यादृच्छिक नमूने में जनसंख्या में से किसी आइटम के चयन करने की संभावना है इन रैंडम सैंपलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन इज इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि अगर आप यादृच्छिक नमूनों को चुन रहे हो मतलब आप यादृच्छिक नमूनों के वे से चुन रहे हो मतलब आप रैंडम सैंपल चुन रहे हो रैंडम वे से यादृच्छिक वे से आप पॉपुलेशन में से आपकी जनसंख्या में से आइटम्स को चुन रहे हो आपके मेंबर्स को चुन रहे हो तो वहां पर आपके पॉपुलेशन में से हर एक आइटम के चुने जाने का चांस क्या हो गया उसकी संभावना क्या होंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग होने का चांस कितना होगा अगर आप रैंडम वे से पॉपुलेशन में से मतलब कि जनसंख्या में से नमूनों को चुन रहे होंगे तो सो so, क्या चांस होगा कि जीरो चांस होगा या फिर एक ही व्यक्ति के चुने जाने का चांस होंगे या फिर आपको कुछ ना कुछ पता होगा या फिर कुछ डिसाइडेड नहीं होगा अनडिसाइडेड तो हम पता करते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा सो so, यहाँ पर रिसर्चर जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है मान लिया एक रिसर्चर है वो रैंडम वे से सैंपल को सिलेक्ट कर रहा है सो so, रिसर्च में आप दो तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन लेते हैं मतलब आपके सैंपल्स को चुन लेते हो एक रैंडम सैंपलिंग में से एक नॉन रैंडम रैंडम सैंपलिंग क्या होती है जिसमें आप रैंडमली चुन लेते हो जैसे मान लीजिए आपकी एक पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में कुछ है है ये आपकी population है और population में कुछ members है दस members है अब यहाँ पर आपको आपके sample को चुनना तो आप क्या करोगे आप ये नहीं देखोगे कि ये पर्सन कौन है जिससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है फिर आप रैंडमली किसी को भी चुन लोगे और ये आपके सैंपल्स बन जाएंगे जिसको आपने दो तीन लोगों को चुन लिया और आप इस पर रिसर्च परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर आप रैंडमली चूज कर रहे हो तो कभी हो सकता है कि कुछ ना कुछ जीरो तो चांस नहीं होगा क्योंकि हर एक मेंबर के सेलेक्ट होने का चांस होगा शून्य चांस नहीं होगा क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को चुन सकते हो अगर आप रैंडम वे से चुन रहे हो तो हर एक व्यक्ति के चुने जाने का चांस इक्वल होता है अग, आ, रैंडम सैंपलिंग में तो यहां पर जो आपका विकल्प है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा सो तो यहां पर सिर्फ एक मेंबर के सिलेक्ट होने का चांस होगा कि नहीं क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे आप सिर्फ एक ही को नहीं सिलेक्ट करोगे रैंडम वैसे सिलेक्ट करे तो दो तीन लोगों को आप सिलेक्ट करते हो तो so, यहाँ पर वन ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा और आप आपका ऑप्शन बी विकल्प बी एक एक व्यक्ति के चुने जाने का चांस नहीं होगा अगर आप रैंडम वे से सैंपल्स को चूज कर रहे हो मतलब कोई ना कोई चुने, किसी ना किसी के चुने जाने का चांस होगा मतलब आपको जो आ, हमें जिससे आईडिया लग रहा है अगर आप खुद रिसर्च हो होते तो आप क्या करते रैंडम वे से अगर आप सैंपल सेलेक्ट करते तो आपको आईडिया तो कुछ ना कुछ लोग सेलेक्ट होते आपका ये आईडिया होता आपको ये आप बोल सकते हो अगर आप रैंडम वैसे सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो कि कुछ ना कुछ मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस होगा कुछ ना कुछ आपको नोन होगा so, यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग वैसे मतलब आप रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करो रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन में से कुछ ना कुछ लोगों का चुने जाने का चांस इक्वल होगा और आपका नोन होगा तो so, यहाँ पर अनडिसाइडेड नहीं होगा क्योंकि आप सैंपल चूज करते आपको पता होगा तो so, यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा और इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी नोन ज्ञात नेक्स्ट में से संदर्भ या संबंधित कागजातों के संकलन को किसके रूप में जाना जाता है कंपाइलेशन ऑफ रेफरेंसेस और रिलेटेड पेपर्स इज नोन एज तो so, इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता लगाना है कि ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होंगी मतलब डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में तो so, जैसा कि आप देख रहे हो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कंपाइलेशन ऑफ रेफरेंसेस मतलब आप रेफरेंसेस को कंपाइल कम, कर रहे हैं रेफरेंसेस को आप कंपाइल कर रहे हैं मतलब एक से ज्यादा रेफरेंसेस है और आप कुछ रिलेटेड uh, पेपर्स है मतलब पेपर्स में से आपको ये मान लीजिए कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो सो so, इससे हम क्या कहेंगे सो so, याद रखिए रेफरेंसेस कंपाइलेशन मतलब एक से ज्यादा है रेफरेंसेस रेफरेंसे को अगर हम कंपाइल करेंगे मिला देंगे तो so, उसे हम क्या कहते हैं बिब्लियोग्राफी मतलब ग्रांच सूची सो बिब्लियोग्राफी क्या होता है याद रखिएगा एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी अब रेफरेंसेस क्या होते हैं आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है रेफरेंसेस मतलब जिसमें अगर आपने आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का वर्क यूज करा है मतलब आपने आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के कार्यों का उपयोग करा है तो आपको उनका नेम प्रॉपर मेंशन करना होता है उनको साइट करना होता है उनको एक्नॉलेज करना होता है कि हमने इस इस ऑथर का हमारे रिसर्च में हमारे शोध में इनका वर्क यूज करा है सो so, याद रखिए आपका जो रेफरेंसेस है रेफरेंसेस का मतलब होता है अगर आप आपके रिसर्च में किसी और शोधकर्ता का काम यूज करते हो तो आप उनको आपको उनको एक्नोलेज करना होता है आपको उनका प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है तो इसी को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी एक से ज्यादा रेफरेंसेस होंगे अगर एक से ज्यादा आपने आपके रिसर्च में रेफरेंसेस यूज कर रहे होंगे तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी जो होता है आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है मतलब एडिशनल चैप्टर्स में जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंटरी वर्क यूज करा है जितने भी पुराने इंफॉर्मेशन दूसरे रिसर्चर की यूज करी होती है उसका नेम आपको प्रॉपर मैंशन करना होता है याद रखिये अगर आप आपके रिसर्च में बिब्लियोग्राफी मतलब अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का काम करते हो लेकिन उनको मेंशन नहीं करते हो तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है मतलब आपकी जो रिसर्च है वो अनएथिकल हो जाएगी आपकी रिसर्च उसके इसमें आपकी रिसर्च जो है चोरी कहलाएगी तो आपको रेफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब आप अगर किसी और रिसर्चर का यूज कर रहे हो वर्क तो उनका नेम आपको प्रॉपर मेंशन करना होता है और एक से ज्यादा so, प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अब जो हमें दूसरे ऑप्शंस दिए गए दूसरे विकल्प दिए गए उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं बायोग्राफी जिसे हम कहते हैं हिंदी में भी बायोग्राफी बायोग्राफी क्या होता है किसी एक शख्स के जिंदगी के बारे में लिखना है एक शख्स के पूरे ज़िंदगी में उसने क्या-क्या काम उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी बताना उसी तरीके से ऑटोबायोग्राफी ऑटो का मतलब है खुद खुद ही अपनी बायोग्राफी लिखना सेम हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी तो सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए और विकल्प बी ये भी गलत होगा आत्महता ये भी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी इज इंडेक्सिंग मतलब अनुक्रमण इंडेक्स क्या होता है जैसे आपने आपकी बुक में भी इंडेक्स देखा होगा इंडेक्स में आपको आपकी बुक में जो जो चैप्टर्स जो जो टॉपिक जहां होते हैं उनका प्रॉपर पेज दिया होता है तो हम कहते हैं इंडेक्स तो ये इंडेक्स की भी डेफिनेशन नहीं होंगी एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक ग्रंथ सूची सो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ग्रांथ सूची और बिब्लियोग्राफी अगला प्रश्न अनुसंधान क्रमविद समस्या के समाधान का अन्वेषण है परिभाषित किया गया है. इस हमें एक दी गई है हमें पता करना है कि ये परिभाषा किस साइंटिस्ट के द्वारा कही गई है मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डेफिनेशन किस रिसर्चर ने इस डेफिनेशन को दिया है और किस रिसर्चर की तो याद रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ डेफिनेशन दी गई है हमें रिसर्चर का नाम बताना है और साइंटिस्ट का नाम बताना है तो एग्जाम में कंपलसरी इस टॉपिक पे आपको वन one...

सारे जो मैं आपको डेली वीडियोस डालते रहती हूँ तो इसमें मैं सारे रोज, रोज रोज एक 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 दो दो क्वेश्चंस कवर करूंगी जिससे कि आपको पता हो जाएगा कि जो डेफिनेशन है किस रिसर्चर की डेफिनेशन है और किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है जिससे क्या आप इजिली वन और टू क्वेश्चन को आपके एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम मतलब रिसर्च एक Uh, हम रिसर्च में बेसिकली किसी भी समस्या का समाधान निकालते मतलब किसी भी प्रॉब्लम का हम निकालते किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं उनका solution, उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं लेकिन किस तरीके से सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से मतलब अगर आप रिसर्च में एक मेथड फॉलो कर रहे हो आप पहले से डिसाइड करते हो कि मैं इस मेथड से फॉलो करूंगा इस मेथड से मैं अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा सिस्टमैटिक मतलब स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप अगर आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया दूसरा तीसरा तो आप एक पाथ पाथ फॉलो करते हो बेसिकली एक स्टेप फॉलो करते हो अब कैसे भी अगर आपने ये परफॉर्म किया एक मेथड परफॉर्म किया तो आप दूसरे मेथड से जाओगे फिर उसमें आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे कभी आप रिसर्च में ऐसा नहीं करते हो अगर आपने रिसर्च आपके सिस्टमेटिकली नहीं परफॉर्म की तो आपकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएंगे आप कभी उस तरीके से रिसर्च कर ही नहीं पाओगे तो याद रखना है आपको जब भी आप अगर रिसर्च करते हो तो बेसिकली हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान फाइंड आउट करते हैं मतलब किसी भी समस्या का समाधान खोज करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिस्टमैटिक वे और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं मतलब आ, हम खोज करते चीजों के सिस्टमैटिक वे में हम चीजों को फाइंड आउट करते हैं उसका हल निकालते हैं उसका समस्या का समाधान निकालते हैं तो so, ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को बर्न्स इस साइंटिस्ट ने दी है और ये जो परिभाषा है द्वारा दी गई परिभाषा है सो so, याद रखना है ये डेफिनेशन बर्न साइंटिस्ट ने 1997 में दी थी ये डेफिनेशन और बहुत फेमस साइंटिस्ट है आपको इनका नेम याद रखना है और इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नेक्स्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड लक विद यिपरेशन एंड सी यू टूमोरो विद अनदर वीडियो